क्योंकि ये कोई साधारण मूवी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये 1964 में ये मूवमेंट चला आरपीआई के द्वारा, जिसमें बुद्धप्रिय मौर्य जी जी और दादा साहब गायकवाड़ जी, उन सब ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। लाखों लोगों का इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में मूर्ति लगवाने के लिए हुआ था। और आपको बता दूं, इसमें कई लाख लोग गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, कई की जेल में डेथ हुई, कई बच्चों ने जेल में जन्म लिया। 26 जून को तमाम अम्बेडकरवादी पार्टियां दिल्ली के जंतर मंतर पर, या समझिए संसद भवन पर, एक विशाल प्रदर्शन करने वाली हैं, और हम लोग उसको आयोजन कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के स्पष्ट एक ही मांग है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति और बाकी मूर्ति जहाँ पर पहले थी, अगर आपने रिनोवेशन के नाम पर हटाई थी, रिनोवेशन कर लिया, उनको वापस स्थापित करें। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जब चुनाव बीत चुके थे और सबका ध्यान चुनावी नतीजों पर था, उसी वक्त 2-3 तारीख की रात को संसद भवन से 3 मूर्तियां, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, छत्रपति शिवाजी महाराज की और महात्मा गांधी की, संसद में जहां स्थित थी वहां से हटा ली गई। इस तरह की खबरें आने शुरू हुई, लेकिन खबरें पुष्ट नहीं हो रही थी, लेकिन अब खबरें पुष्ट हो चुकी है कि ये मूर्तियां संसद भवन से हटा ली गई है, जिसको लेकर अम्बेडकरवादी संगठन 26 जून को एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं मिशन जय भीम के संस्थापक संयोजक राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि एमएलए भी हैं और पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। सर, आपको क्या लग रहा है, काफी बवाल मचा हुआ है, धीरे धीरे खबर आनी शुरू हुई, पहले सोशल मीडिया पे आई, लोगों को लगा कि खबर सच है कि झूठ है, क्योंकि वैसे कोई खुल के खबर आ नहीं रहती, लेकिन अब साफ है कि ये हटा ली गई है तीनों मूर्तियां उस जगह से, अखबारों में भी छप चुकी है खबर। तो आपको क्या लगता है, इन मूर्तियों को क्यों हटाया गया? आप खुद राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपको अंदर से पता होगी बातें। एक्चुअली मुझे तो बदनीयती नजर आती है, षड्यंत्र नजर आता है केंद्र सरकार का। चूंकि सब जानते हैं कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर और 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर, महापरिनिर्वाण दिवस पर, बहुत बड़ी मात्राओं में, यहाँ तक कि 14 अप्रैल को तो लाखों की संख्या में जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो लोग संसद भवन के प्रांगण में आके उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे अम्बेडकरी मिशन आगे बढ़ रहा है, तेज हो रहा है, और वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ते हुए तो देखना नहीं चाहते। उसको रोकने के लिए एक षड्यंत्र करके उन्होंने चोरी चुपके से एकदम चुनाव होने के तुरंत बाद, काउंटिंग शुरू होने से एकदम 2 दिन पहले, जिस तरीके से चोरी से उन्होंने मूर्तियों को हटाया, और वो भी ना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया, ना कोई सार्वजनिक तौर पे इसकी कोई सूचना दी गई, कोई मीडिया के माध्यम से कोई सूचना नहीं दी, जिस तरीके से किया ऐसा लगता है जैसे चोरी चुपके से किया है और किसी को पता भी ना लगे। तो इससे ये तो एक बात स्पष्ट है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से, उनकी विचारधारा से ये लोग डरते भी हैं और नफरत भी करते हैं। सर, मैं अखबार पढ़ रहा था, वहां पे मुझे ये सूचना मिली, खड़गे जी ने भी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि एक समिति होती है जो इस तरह के जो काम होते हैं उसका फैसला करती है, और समिति में दोनों पार्टियों के सांसद होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, जनरल पर्पज कमेटी होती है पार्लियामेंट जी, जी तो जनरल पर्पज कमेटी पिछले 5 साल में बनाई नहीं है, बनाई नहीं गई है। हाँ, बनाई नहीं गई है, और जबकि जब कोई भी मूर्ति लगाना हटाना, कोई भी इस तरह का आयोजन जनरल पर्पज कमेटी में डिसाइड होता है। ये तो एक तरफा तानाशाही रवैया दिखाया केंद्र की सरकार ने, इसमें साफ बदनीति की साफ नजर आती है जी। इसका मतलब तो सर यह हुआ कि 14 अप्रैल को अगले सालों से लोग जाते रहे हैं, लाखों की भीड़ पहुंचती है वहां पे, अम्बेडकरवादी पहुंचते हैं, तो अगले 14 अप्रैल को फिर क्या समा होगी वहां पे, कैसे होगा? ये तो बड़ा सवाल ये है ना, एक जो परंपरा चली आ रही है। मैं अभी 56 ईयर ओल्ड हूँ, और मैं 40 साल से भी अधिक समय से तो मैं लगातार जा रहा हूँ, एक बार भी नागानी हुई है। और वो एक आंदोलन का जो केंद्र बन गया है, चूंकि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये 1964 में ये मूवमेंट चला आरपीआई के द्वारा, जिसमें बुद्धप्रिय मौर्य जी जी और दादा साहब गायकवाड़ जी, उन सब ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। लाखों लोगों का इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में मूर्ति लगवाने के लिए हुआ था। और आपको बता दूं, इसमें कई लाख लोग गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, कई की जेल में डेथ हुई, कई बच्चों ने जेल में जन्म लिया। इतने बड़े आंदोलन के बाद ये मूर्ति लगी है, ये कोई साधारण इसका इसका अपना एक इतिहास है।
जी हाँ, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। 1957 में, 67 में, 2 अप्रैल 1967 को, फिर उसके इतने बड़े आंदोलन के बाद ये मूर्ति लगी है। ओके okay. और कहीं ना कहीं एक आंदोलन का केंद्र बन गया था वो 14 अप्रैल को, दिल्ली और आसपास के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पहुंचते हैं जिस तरीके। और कहीं ना सर आप, लेकिन अब सरकार कही कि हमने महात्मा गांधी की भी मूर्ति हटाई है, शिवाजी महाराज की भी मूर्ति हटाई है, वो तो सिर्फ इसलिए बाबा है ना, साहब की नहीं ताकि हटाई। ये देखिए, ताकि ताकि इनको ये बहाना ना मिले कि भाई ये केवल बाबा साहेब अम्बेडकर जी की हटाई है, इसलिए इन्होंने बाकी की हटा के, और इन्होंने प्रेरणा स्थल के नाम से एक जगह बनाई है, एक अलग साइड, एक कॉर्नर साइड में जाकर अलग एक बनाई है, जिसमें इन्होंने लगभग 13 मूर्तियां लगाई हैं, और अभी परसों उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया है। अच्छा, न्यू न्यू मैं आपको पार्लियामेंट बताऊं, में, राष्ट्रपति जी के द्वारा इनॉग्रेशन भी हुआ है अभी प्रेरणा स्थल का, वहां न्यू पार्लियामेंट में, कल के अखबारों में आया। न्यू पूरे पार्लियामेंट में नहीं, पुरानी पार्लियामेंट में पुराने है, पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट, जहां जहां हाँ था वहां से पार्लियामेंट हटा के के एक और अलग लाइब्रेरी के जगह। बीच में, ओके, तो इससे क्या फर्क यानी पड़ वो जाएगा? बहाना ये लगा रहे हैं, वो बहाना ये लगा रहे हैं कि संसद में और भी महापुरुषों की मूर्तियां थी, लोग आते थे लेकिन उनको पता नहीं चलता था, अब हमने इन सबको एक जगह लगा दिया एक प्रेरणा स्थल के नाम से, ताकि लोग इकट्ठा एक बार सबका दर्शन कर लें। ये तो कोई मतलब कोई तुक ही नहीं बनता है। एक्चुअली तो बदनीति साफ नजर आती है, और इसीलिए पूरे देश के अंदर, चूंकि लेट से सूचना मिली, मुझे खुद ये सूचना 6 तारीख को मेरे पास सुबह सुबह फोन आए कि क्या बाबा साहेब की मूर्ति संसद भवन से हटा दी गई है। तो मुझे पहले तो कंफर्म ही नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे पॉसिबल है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल इतना बड़ा रिस्क कोई भी सरकार कैसे ले सकते, कोई बिल्कुल पार्टी। और आपको याद होगा, इस मैंने फिर तुरंत आपसे भी कंफर्म करने के लिए फोन किया जी था, जी जी उसके बाद मैंने भी और भी कई माध्यम से सूचना ली, और लेने के बाद तुरंत ही मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया, फेसबुक पे, ट्विटर पे डाला, और केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि आप तुरंत कल कल अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर बताइए कि आपने क्या किया है, वरना ही तो पूरे देश का आंदोलन बन जाएगा। तो अगले दिन मैंने देखा, तो नवभारत के अंदर मैंने खुद देखा, उन्होंने उसकी पूरी रिपोर्ट दी हुई है, और मूर्तियां भी वो लगाई हुई थी इकट्ठी। सर, इसमें जो तारीख चुनी गई, जो समय चुना गया कहीं ना कहीं, और जो सूचना नहीं दी गई जिस तरीके से, जैसे अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं होता तो इसको लेके वो चीजें छुपाती नहीं, और उस वक्त को कहीं ना कहीं नहीं चुना जाता जब पूरा देश इलेक्शन में बिजी था। देखिए, जब कोई नियत खराब हो तो वो ऐसा वक्त चुनते हैं राजनीतिक लोग, और खासतौर पे सत्ताधारी पार्टी, ताकि लोगों का उसकी तरफ ध्यान ना जाए। जैसे ध्यान मैं ना एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जी 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, और 4 तारीख को नीट का रिजल्ट आ रहा है, और नीट में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, ताकि किसी का उस पर ध्यान ना जाए, और नीट नीट की ऐसे बात फिर तो अब जाके सामने आनी शुरू हुई है। मैं वही बता रहा हूँ कि हाँ चूंकि चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, तो 2-3 दिन लोग उसमें बिजी रहेंगे, इसीलिए इतना बड़ा घोटाला हो गया। और 4 को ही क्यों चुना रिजल्ट आने का, जबकि रिजल्ट डिक्लेयर करने की तो डेट बाद की तय की हुई थी, बिल्कुल एनटीए बिल्कुल ने डेट तो बाद की डिसाइड की हुई थी चुनाव उसकी, नीट का रिजल्ट डिक्लेयर करने की, तो फिर ये अचानक ही तो आनन फानन में, कहीं ऐसा तो नहीं है इनको हार का डर था कि ऐसे में चुपके से कर जो दो। एक तिनके तिनके वाली कहावत है, कहीं ना कहीं वो इसी के लिए बनी हुई है। तो 26 जून को आप लोग प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, क्या मांगे होंगी आप लोगों की और कौन कौन से लोग शामिल हैं इसमें? 26 जून को तमाम जी अंबेडकरवादी पार्टियां दिल्ली के जंतर मंतर पर, या समझिए संसद भवन पर, एक विशाल प्रदर्शन करने वाली हैं, और हम लोग उसको आयोजन कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के स्पष्ट एक ही मांग है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति और बाकी मूर्ति जहां पर पहले थी, अगर आपने रिनोवेशन के नाम पर हटाई थी, रिनोवेशन कर लिया, उनको वापस स्थापित करें। अगर आप वापस स्थापित नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि आप संविधान विरोधी हैं, आप बाबा साहेब से नफरत करते हैं, आप दलित पिछड़े आदिवासियों के आइकन से नफरत करते हैं, और हम बहुत बड़ा आंदोलन फिर इस केंद्र की सरकार के खिलाफ करेंगे। हम कोई चुप बैठने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारे जी लिए, दुनिया के लिए पूजने के लिए बहुत लोग होंगे, उनके लिए भगवान होंगे, देवी देवता होंगे, लेकिन हमें तो हजारों साल की गुलामी से मुक्ति ही बाबा साहब ने कराया। हमें तो एमपी, एमएलए, मंत्री, सारा बनने का, और नौकरियों में जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का रास्ता ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। हमारी तो हजारों साल की गुलामी बाबा साहब ने तोड़ी है, तो हमारे लिए तो उनसे बढ़ के कोई बड़ा भगवान हो नहीं सकता। इसीलिए ये आंदोलन तो बहुत बड़ा होने वाला है, पूरे देश से जी, लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं। तो क्या अपील करेंगे आप इसको लेके, 26 के का जो आप लोगों का प्रोग्राम है मैं उसमें? आपके दलित दस्तक के माध्यम से, आपके माध्यम से, तमाम देश के न्याय पसंद लोगों से, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा रखते हैं, ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, फूले जी, साहू जी महाराज को, पेरियार को,
या जितने भी हमारे बहुजन आइकोन उनको मानने वाले लोग, उनसे आह्वान करता हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है। अगर हम लोगों ने जम के इसका विरोध इकट्ठा होकर आने वाली 26 तारीख को सुबह 10 बजे 11 बजे जंतर मंतर में इकट्ठे होकर नहीं किया, और हमने इस सरकार को नहीं चेताया, क्योंकि उसी दिन संसद के अंदर लोकसभा के स्पीकर का शायद चुनाव भी है, तो ये एक सशक्त आंदोलन चलाने की जरूरत है। अदरवाइज ये केंद्र की सरकार धीरे धीरे हमारे जितने आइकन्स हैं, ना केवल उनकी सारी प्रतिमाएं देश से हटा देगी या एक साइड में कर देगी, बल्कि उनके बारे में जितने भी पाठ्यक्रम में कहीं भी कोई चैप्टर है जो इनकी बदनीति दिखती है साफ, उनको भी वो धीरे धीरे हटा के हमारे इतिहास को, पहले भी आपको याद होगा बुद्धिस्ट संस्कृति का सारा इतिहास इन्होंने पहले भी खत्म किया है, शिलालेख तोड़े हैं, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर रही है, मठ तोड़े हैं, हमारा साहित्य जलाया गया है, तो एक तरीके से हमारी संस्कृति को ही खत्म करना चाहते हैं ये लोग। भी एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। इस चुनाव के पहले भी तमाम लोग संविधान बदलने की बात कह चुके थे, सत्ताधारी दल के लोग, तो तमाम समय पे उनकी मंशा सामने आती रहती है। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो काम है, इसके जरिए दलित आंदोलन को सर कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ही आंदोलन तेज होगा। उतना ही एक आंदोलन दौर तेज था होगा। जिस वक्त आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ा था, लेकिन अब फिर से दौर शुरू हुआ है, आंदोलन लगातार पिछले 3-4 सालों में तेज हुआ है, तेज हुआ और है अब यूथ बिल्कुल। लोग, अच्छी बात यह है कि पहले यूथ नजर नहीं आता था आंदोलन के अंदर, महिलाएं नजर नहीं आती थी, अब तो बुजुर्गों के साथ साथ यूथ बड़ी मात्रा में, यूथ लड़की लड़के भी इसमें शामिल हो रहे हैं आंदोलन में, वो भी अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत के इतिहास को समझ पा रहे हैं। और आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी कितने हमारे यूथ लोग पूरे समाज के को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और अब तो हमारे कई लाख लोग तो रिटायर लोग हैं, जो रिटायर होकर घर बैठे हैं, वो भी, उनको भी घर बिल्कुल। बैठे बैठे बोर हो गए, वो भी वापस इस मूवमेंट को अपने हाथों में ले रहे हैं, तो इसलिए अब मूवमेंट तो रुकने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी को निराश होने की जरूरत है, इस लड़ाई को बड़ी ईमानदारी के साथ लड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग बाद में एमपी एमएलए मंत्री हैं, पहले हम लोग समाज के समाज के जो व्यक्ति हैं सिपाही हैं, बिल्कुल समाज के बिल्कुल व्यक्ति, बिल्कुल। और बाबा साहब के जिम्मेदार सिपाही हैं, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो निश्चित तौर पे एक जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम जी ने बताया कि एक चीज और मैं इतिहास आपको रहा। जानकारी दे दूं अशोक जी, जी एक जानकारी और दे दूं, खुशी की बात यह है कि अब हमारे अनेकों साथी, मजबूत साथी, अंबेडकरवादी, बुद्धिस्ट साथी भी संसद में पहुंचे हैं, पहुंचे चाहे हैं। वो यूपी से पहुंचे हों, चाहे वो आपको महाराष्ट्र से पहुंचे हों, चाहे तमिलनाडु से पहुंचे हों, राजस्थान से पहुंचे हों, हमारे अनेकों साथी अनेकों राज्यों से मजबूत मिशनरी साथी बहुजन समाज के पहुंचे हैं, इतने आसानी से संसद को नहीं चलने देंगे, केंद्र की सरकार को झुका के हम निश्चित तौर पर अपने महापुरुषों के सम्मान को वापस से लाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस मूर्ति को लगाने के लिए एक लंबा चौड़ा आंदोलन हुआ, वो सिर्फ अंबेडकरवादी समाज के लोगों के लिए प्रतिमा नहीं है, सम्मान का प्रतीक था, जो संसद के भीतर खड़ा था और कहीं ना कहीं इशारा करता था कि संसद की तरफ आना है। अपने तमाम लोग जिक्र करते थे कि बाबा साहब ने संसद की तरफ इशारा किया है, संसद की तरफ पहुंचना है। अशोक जी, ये केवल सम्मान का प्रतीक नहीं है, हमारे जी तो श्रद्धा का मामला है। जी वो तो अपनी श्रद्धा के लिए कितने, उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बनवा दिया, तो क्या उनकी श्रद्धा श्रद्धा हमारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं है? हम अब अपने बिल्कुल। और श्रद्धा के लिए उसको कुछ भी कर सकते हैं। जी, और उसी को बचाने के लिए जिस तरीके से सरकार ने एक तानाशाही रवैये से बाबा साहब की मूर्ति को हटा दी है, तमाम नियमों को ताक पे रखते हुए उसको चुनौती देने के लिए 26 जून को तमाम अंबेडकरवादी संगठन जंतर मंतर में पहुंच रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी ने जैसा बताया 11 बजे, तो एक बड़ा आंदोलन होना है। तो यह सम्मान का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और कहीं ना कहीं एक पूरे अंबेडकरवादी समाज को इसके खिलाफ मुखर होना होगा, सामने आना होगा, तभी इस तरह की जो सरकार की तानाशाही है वो रुक पाएगी। क्योंकि अगर हमने विरोध नहीं किया तो आने वाले दिनों में इस तरह की और चीजें होंगी और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, नमो बधाई, जय देखते भीम। रहिए दलित दस्तक। जय भीम।